कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। कर्नाटक में 12 मई को वोटिंग होगी और 15 मई को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर विवाद। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही तारीखों का ऐलान ट्विटर पर किया। वोटिंग की तारीख 12 मई सही साबित हुई। चुनाव आयोग ने कहा अगर तारीख लीक हुई है तो कार्रवाई करेंगे। ट्विटर पर पोस्ट को लेकर अमित मालवीय ने चुनाव आयोग को सफाई दी। कहा एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को देखकर ट्विटर पर पोस्ट की तारीख। मालवीय के ट्वीट को लेकर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा बीजेपी सुपर इलेक्शन कमीशन है, इसीलिए चुनाव आयोग से पहले तारीखों का ऐलान कर देती है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा राजनीतिक लाभ के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए स्वच्छ राजनीति के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होना समय की मांग। कर्नाटक दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा कर्नाटक में किसी के साथ तालमेल नहीं करेगी बीजेपी, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जुबान फिसली। कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले शाह येदुरप्पा सरकार भ्रष्टाचार में नंबर वन। शाह ने तुरंत गलती सुधारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में येदुरप्पा भी साथ बैठे हुए थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जुबान फिसलने वाले वीडियो को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अमित शाह के वीडियो को ट्वीट कर लिखा बीजेपी ने हमारे अभियान की शानदार शुरुआत कर दी। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज हुई। मोदी सरकार के खिलाफ चार दलों ने दिया अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस और वाम दल के साथ ही टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने दिए हैं अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस। संसद सत्र का आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। राज्यसभा में हंगामे को लेकर वेंकैया नायडू ने कहा अब सदन की इज्जत दांव पर है। संसद में हंगामे पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। कहा इस तरह से देश का पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि पैसा सड़क और स्कूल बनाने में लगाया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की शरद पवार और शिवसेना के संजय राउत समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात। सोनिया गांधी की तबीयत ठीक न होने की वजह से नहीं मिल सकी। सूत्रों के मुताबिक राहुल के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहती है लोकसभा चुनाव। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला। बीएसपी गोरखपुर फूलपुर उपचुनाव की तरह किसी भी उपचुनाव में सक्रिय भागीदारी नहीं करेगी। कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बीएसपी का संकेत है कि समाजवादी पार्टी की मदद नहीं की जाएगी। बिहार के भागलपुर में हुई हिंसा को राजनीति लगातार गर्म हो रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने सीएम नीतीश से फिर सवाल पूछा नीतीश चौबे जी के लड़के को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, क्या उन पर कोई दबाव है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के लिए विधायक निधि 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का ऐलान किया। साथ ही सदस्यों की मांग पर विधायक निधि पर लगने वाले 12% जीएसटी की व्यवस्था भी सरकार द्वारा अलग से करने की घोषणा की। आपसी सहमति से शादी करने वालों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। लव मैरिज करने वालों के खिलाफ बैठने वाली खाप पंचायत को गैर कानूनी करार दिया। साथ ही जब तक सरकार कानून नहीं बनाती तब तक ये निर्देश लागू रहेंगे। प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिखते हुए कहा राज्य सरकारें ऐसे इलाकों की पहचान करें जहां पिछले 5 साल में प्रेमी जोड़ों की हत्या या उनके साथ मारपीट की घटनाएं हुई हों। साथ ही ऐसे इलाकों के प्रभारी पुलिस अधिकारी खास चौकसी बरतें। प्रदूषण कम करने के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। मथुरा वृंदावन के मंदिरों में चढ़ने वाले फूल विधवा महिलाओं के आश्रम को दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे बेसहारा विधवा महिलाएं अगरबत्ती और धूप बनाकर रोजगार कमा सकेंगी और यमुना नदी में भी प्रदूषण नहीं होगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दिया जवाब। कहा धारा 370 हटाने को लेकर अभी कोई विचार नहीं कर रही है सरकार। आपको बता दें कि बीजेपी समय समय पर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को हटाने की मांग करती रही है और अब सरकार ने अपना पक्ष इस पर साफ किया है। रामनवमी के बाद से ही पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़पें जारी। राज्य के रानीगंज, उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़पों में अब तक 2 लोगों की मौत, साथ ही 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। दर्जनों दुकानों और घरों को लगाई गई आग। मध्य प्रदेश के भिंड में पत्रकार की मौत की जांच सीबीआई से कराने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुहर लगाई। आशंका जताई जा रही है कि पत्रकार संदीप शर्मा की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई। पत्रकार ने पुलिस और रेत माफियाओं के गठजोड़ का स्टिंग ऑपरेशन कर खुलासा किया था, जिसके बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी।
मध्य प्रदेश के भिंड में हुए पत्रकार संदीप की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। आरोपी ट्रक चालक का नाम गेंडा उर्फ रणवीर यादव है। ड्राइवर ने बताया कि सामने चल रही महिला को बचाने के चलते पत्रकार संदीप ट्रक की चपेट में आए। नोएडा से एक हाई प्रोफाइल नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। बीटेक की पढ़ाई कर रहे नक्सली सुधीर भगत बिहार में कई नक्सली गतिविधियों, ब्लास्ट केस और कई हत्याओं में आरोपी था। पुलिस ने सेक्टर 20 में छापा मारकर भगत को गिरफ्तार किया। सुधीर भगत पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। यूपी के इटावा में दिव्यांग बच्चों के लिए चल रहे आवासीय लर्निंग कैंप में चार मासूम बच्चों को कैंप के केयरटेकर ने डंडों से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने केयरटेकर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपी केयरटेकर गिरफ्तार। एबीपी न्यूज के बड़े खुलासे के बाद राजस्थान के झालावाड़ में ढोंगी जगदम्बा बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस कल कोर्ट में पेश करेगी। जगदम्बा बाबा पर कई लड़कों को अपने जाल में फंसाने और उनके साथ गलत हरकतें करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की। थाने से 300 मीटर की दूरी पर बीजेपी नेता पर हमला हुआ। बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश कोंडरा पर यह हमला हुआ, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक कॉलेज छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। हत्या के चार आरोपी फरार, एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। आ रहा हूं मैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।